दोस्तों, अगर आपको अपनी कोई पीडीएफ फाइल या फिर कोई डॉक्यूमेंट फाइल बुकलेट की तरह प्रिंट करनी हो, वो भी मोबाइल से, तो क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे और क्या करेंगे, इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने उसी जो फोन आप यूज करते हैं उसी फोन से किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को या पीडीएफ फाइल को एज ए बुकलेट प्रिंट कर सकते हैं किसी भी प्रिंटर से। फिर चाहे आपका प्रिंटर वायरलेस कनेक्टिविटी सपोर्ट करता हो या नहीं, आप यूएसबी के थ्रू बस मोबाइल से कनेक्ट करिए और किसी भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट फाइल को एज ए बुकलेट बड़ी आसानी से प्रिंट कर लीजिए। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप सोचेंगे कि इतना आसान प्रोसेस मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, क्या है वो प्रोसेस, जानने के लिए वीडियो पूरा देखते रहिए। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये टैबलेट है जिसमें एंड्रॉइड 11 पड़ा हुआ है। आपके पास जो भी फोन है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा फोन यहाँ सामने लगा हुआ है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिलहाल मेरे पास कैमरा है नहीं, आप लोग सपोर्ट करिए, कैमरा ले लूंगा फिर मैं फोन का यूज कर पाऊंगा। तो दोस्तों, फिलहाल ये जो भी मैं इस टैबलेट में करूंगा वो यहाँ पर आपको सामने स्क्रीन पर दिखता जाएगा, आप देखते जाइए। तो यहाँ पर इसमें मैंने एक क्लास 1 की पीडीएफ फाइल ले रखी है जिसमें इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स हैं जो आप यहां देख पा रहे होंगे, 1 से लेके 9 तक, यानी टोटल 9 चैप्टर्स हैं। और ये एक पीडीएफ फाइल है, इसे हम लोग डायरेक्ट यूएसबी की मदद से अपने कैनन G1010 प्रिंटर, जो एक वाईफाई प्रिंटर नहीं है, उससे प्रिंट करेंगे। और सबसे पहले ये पूरा प्रोसेस करने के लिए आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। आपको डाउनलोड करना है ये नोको प्रिंट ऐप। मैं बहुत सारे वीडियोस में इसके बारे में बता चुका हूं, आप लोगों ने देखा भी है, जिन्होंने नहीं देखा वो समझ लीजिए। गूगल प्ले स्टोर में जाना है और ये ऐप आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है, नोको प्रिंट ऐप। अब आगे का प्रोसेस बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको सिंपली करना क्या है, फाइल खोलने के बाद ऊपर शेयर वाले ऑप्शन पर जाना है और शेयर करना है फाइल को नोको प्रिंट ऐप के साथ। यहां नीचे आप देख रहे हैं, इससे आपको शेयर कर देना है। उसके बाद ये फाइल आपकी नोको प्रिंट ऐप में खुल जाए। तो यहां देख रहे हैं सारे पन्ने यहां खुल चुके हैं 1 से लेके 9 तक। अब इन्हें आपको प्रिंट कैसे करना है, कैसे बुकलेट बनाना है, वो आप जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको अपने प्रिंटर की यूएसबी केबल में इस तरह का एक कनेक्टर लगा लेना है, अगर आपको फोन से प्रिंट करना है। और अगर आपका प्रिंटर वाईफाई प्रिंटर है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप यूएसबी प्रिंटर से प्रिंट करना चाह रहे हैं तो इस तरह का कनेक्टर लगा लीजिए। और उसके बाद ये कनेक्टर आपको अपने फोन में इस तरह से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे आप यहां देख पा रहे हैं कि ये आपके प्रिंटर को डिटेक्ट कर रहा है और इसने यहां पर कैनन G1010 डिटेक्ट कर लिया है। देखिए यहां पर ये मांग रहा है जेनेरिक, यूज जेनेरिक, तो मैंने इसको ओके कर दिया। अब आपको वापस अपने नोको प्रिंट ऐप में जो अपने फाइल खोली थी वहां पर आना है और उसके बाद आपको कुछ सेटिंग करनी है। ये सेटिंग आपको बहुत ध्यान से देखनी होगी। आपको यहां जहां A4 नॉर्मल पेपर लिखा हुआ दिख रहा है यहां पर आना है और आपको मल्टी पेज प्रिंटिंग में जाना है। यहां पर आप बहुत सारे ऑप्शन देख पा रहे हैं, 2-in-1, 4-in-1, सिंगली। आपको सबसे नीचे आना है बुकलेट पे और यहां जाकर के आपको ओके कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से इसी A4 और नॉर्मल पे क्लिक करना है और यहां पर आपको डबल साइडेड प्रिंटिंग में आना है। और यहां पर आप देख रहे हैं मैनुअली फ्रंट साइड प्रिंटिंग लिखा हुआ है, इसे आप ओके रहने दीजिए क्योंकि पहले हम एक साइड के पेजेस निकालेंगे। इसके बाद आपको फिर इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम जब नोको प्रिंट ऐप से प्रिंट करते हैं तो क्या हम केवल ब्लैक एंड व्हाइट यानी ग्रे स्केल प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जरा इस ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, इसकी मदद से आप नोको प्रिंट ऐप से केवल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग निकाल पाएंगे। अगर आप कलर प्रिंट आउट भी आपके उस पेजेस में है तो वो भी ब्लैक एंड व्हाइट निकलेंगे और आपकी इंक कम खर्च होगी। तो आपको बस करना इतना है कि जहां पर पेपर एंड प्रिंटिंग लिखा हुआ है ऑप्शन, यहां पर आपको आना है, पेपर साइज A4 सेलेक्ट कर लीजिए और आउटपुट मोड में आकर के यहां देखिए ड्राफ्ट लिखा हुआ है और दूसरे नंबर पर ड्राफ्ट ग्रे स्केल लिखा हुआ है, आपको इस पे जस्ट क्लिक कर देना है। और अब मैं आपके सामने दिखा रहा हूं कि देखिए सिंपली यहां पर मेरी ये केबल लगी हुई है यूएसबी में और ये डोंगल की मदद से लगी हुई है और यहां पर सिंपली मुझे प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अब मैं इसको यहां आपके सामने रख देता हूं इस टैबलेट को और आप देखिए सामने प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। पहले ये फ्रंट पेजेस प्रिंट कर देगा एज ए बुक, एज ए बुकलेट, और उसके बाद जब पेजेस प्रिंट हो जाएंगे तो कैसे उन्हें पलट करके सेम आगे पीछे प्रिंट करना है वो मैं प्रिंटिंग के बाद आपको दिखाता हूं, तो ध्यान से देखते रहिए। दोस्तों, जब तक प्रिंटिंग हो रही है वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिएगा वीडियो खत्म होने के बाद। तो दोस्तों, देखा आपने ये 3 पेजेस प्रिंट होकर के आ चुके हैं, ये 1, 2 और ये 3।
तो इसने पहले प्रिंट किया है यहां पर पेज नंबर 41, 36 और यहां पर पेज नंबर 34 प्रिंट कर दिया है। अब हमें बस ऐसे ही जैसे पेज प्रिंट होकर के आए हैं ऐसे ही पेजेस को पकड़ना है और इसको सिंपली ऐसे मोड़ देना है। देखिए ऐसे पकड़ना है जैसे प्रिंट होकर के आए थे और इसको ऐसे मोड़ देना है और ऐसे मोड़ने के बाद वापस से इसको प्रिंटर पर लगा देना है। प्रिंटर पर लगाने के बाद आपको फिर से यहां A4 ड्राफ्ट ग्रे स्केल में जाना है और बस एक छोटा सा चेंज करना है और वो करना है आपको डबल साइडेड प्रिंटिंग में। यहां आने के बाद अभी आपने मैन्युअली फ्रंट साइड प्रिंट किया था, अब आप बैक साइड प्रिंट करके ओके कर दीजिए और यहां पर प्रिंट कमांड दे दीजिए और अब इसके पीछे के पेजेस आप देखेंगे कि प्रिंट होकर के ठीक उसके पीछे निकल आएंगे। ये प्रिंटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है एज ए बुकलेट और अब मैं आपको इसको फोल्ड करके दिखाता हूं। आपको बस इसको सिंपली ऐसे मोड़ देना है और यहां पर ऐसे करके बस बराबर से लेकर के इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। और देखिए ये मेरे सामने टैबलेट रखा हुआ है और ये केबल लगी हुई है और इसी से अभी हम लोगों ने प्रिंट किया है और अब मैं आपको चेक करके बताता हूं कि क्या ये सीरियल से और सही प्रिंट हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए ये है हमारा पहला पन्ना जो कि पेज नंबर है 34 और यहां आप देख पा रहे होंगे पेज नंबर 34 लिखा भी हुआ है। अब पेज नंबर 35 यहां पर आएगा और इसके बाद हम इसको पलटते हैं तो पेज नंबर 35, ये देखिए पेज नंबर 35, पेज नंबर 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 और इसके बाद दो पन्ने खाली है क्योंकि इसके बाद लास्ट में कुछ भी है नहीं। तो इस तरह से 9 पेजेस थे और 9 पेजेस पूरे प्रिंट होकर के आपके सामने आ चुके हैं। इस तरह से आप यहां पर स्टेपल करके पूरी बुक कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों मुझे पता है इस वीडियो का आप वेट कर रहे थे और वीडियो आपको काफी पसंद आया और आपके काम तो आने ही वाला है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप अपने फ्रेंड्स की मदद करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनको शेयर जरूर करिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो ऑनलाइन जुगाड़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।